हेलो बैंकर्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक सो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट ओके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आपका है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका है और खासकर देखो अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन वाइज मॉड्यूल ए एंड बी जिनको सबसे ज़्यादा वेटेज आपको सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना होता है ठीक है <coughs>

तो uh, अभी बैक टू बैक कुछ सेशन में आपके लिए मॉड्यूल बी के ऊपर करूंगा देन वील कम लाइक विल टॉक अबाउट मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी राइट देन वील लाइक इंडिविजुअल मैराथन सेशन फॉर ऑल दी फोर मॉड्यूल देन आपका लाइक क्वेश्चन इन केसेस बेस्ड ऑन मैकमिलन बुक देन फाइनली एक महा मैराथन करेंगे जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन ट्वेल्व को हम लोग करेंगे थर्टीन को हमारा पेपर है ठीक है तो आई होप आप लोग रेगुलर चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे जो लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो विल गेट दी रेगुलर नोटिफिकेशन ऑल्सो राइट सो यूजअली एक दिन में मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ ठीक है बी एफ एम पेपर के लिए मैं आपसे uh, आपका हर दिन का वन आवर एंड वन आवर थर्टी मिनट अराउंड का टाइम लूंगा ठीक है इससे ज़्यादा नहीं लूंगा ठीक है एंड बिलीव मी विल फॉलो ऑन रेगुलर बेसिस तो आपको उस लेवल पे ले आएंगे एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर और प्लस राइट चलो खासकर जो जो लोग लोग जुलाई के लिए जा रहे हैं ठीक है नवंबर दिसंबर की तैयारी करें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो अभी ये सेशन हम लोग एमसीक्यूज पे डायरेक्ट क्यों आए रीजन क्योंकि हमारा पेपर है तो पहले इनको आपका इस पेपर को हम लोग थोड़ा सा जो कैंडिडेट ऑलरेडी इनरॉल्व कर चुके हैं जिनका पेपर है तो उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं ये चीजें आपको भी हेल्प करेंगे जो नवंबर दिसंबर के लिए जा रहे हैं ठीक है दूसरी तरफ जैसे ही पेपर होगा सो आई कम अपन फाउंडेशन क्लासेस जो आपको कॉन्सेप्ट करने में हेल्प करेंगे राइट right? चलो तो गाइज अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल बी का सो एज आईल यू इट एज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो रिस्क मैनेजमेंट एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट का इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया होगा तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस में जरूर करूंगा ठीक है और दूसरी तरफ अगर आपने वो पढ़ा है अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है तो आप कंप्लीटली मॉड्यूल बी को इग्नोर कीजिए ठीक है क्योंकि वहां पढ़िए क्योंकि वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक रिस्क जैसे और आपका क्रेडिट रिस्क के ऊपर एक मॉड्यूल है ठीक है ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर एक है तो वो इन डेप्थ आपका बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पे चीजें हैं सो इफ यू हैव इफ योर इलेक्टिव पेपर इज रिस्क मैनेजमेंट यू कैन इग्नोर दिस वन और आपका एक बहुत अच्छा पोर्शन ऑलरेडी उसके साथ तैयार हो जाएगा ठीक है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि गो फॉर मॉड्यूल ए सी देन गो फॉर मॉड्यूल ए एंड डी एन सी देन असाइमेंटेनियसली यू कैन प्रिपेयर योर रिस्क मैनेजमेंट ठीक है बी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा राइट तो अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें इसमें तो हमारे पास क्या है रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क Risk in business, risk in आप बैंकिंग बिजनेस के अंदर लैंड हो जाएंगे तीसरा जहां पे बेसिक गाइडलाइंस या जो अदर सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है वो सब आपको इसमें मिलेंगे Then, आपका फोर टाइप ओवरऑल जो कैटेगराइजेशन है ठीक है

तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जिनको प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है देन आई हम लोग अच्छे से हर एक लाइक आई ट्राई टू कवर टू कवर लाइक ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल बी सो सारे यूनिट्स के क्वेश्चन आपका जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट रिस्क के ऊपर क्वेश्चन है ठीक so, तो देयर कैन क्या हो गया आपका बोर रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है ठीके? आपका ऑब्लिगर रिस्क के नाम से भी जिसको आप जान सकते हैं हमने किसी पार्टी को लोन दिया है ठीक है वो एनपीए हो गया सो दैट इज क्रेडिट रिस्क सो पहला हमने किसी पार्टी uh, के अगेंस्ट में आपका कोई गारंटी इश्यू की है या लेटर ऑफ क्रेडिट आपका जारी किया है बीइंग एन ओपनिंग बैंक अगर वो आपका डिफॉल्ट होता है सो दैट इज आपका जहां पे व्हेन लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी आर इश्यूड सो वो आपका अगेन अगेंट रिस्क हो सकता है डीलिंग इन सिक्योरिटीज जैसे अगर हम लोग डेरिवेटिव यूज डील कर रहे हैं तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो जाता है अदर्स तो दैट इज सो ऑल दी सो वट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन जैसे आई होप दिसका अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क एंड अगर हम लोग रिस्क क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं सो वी हैव टू फोकस बोथ एट ट्रांजेक्शन लेवल एज वेल एज पोर्टफोलियो लेवल राइट सो पोर्टफोलियो लेवल पे क्या रिस्क हो सकता है आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आपका ठीक है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज समथिंग लाइक दिस जैसे ये हमारा पोर्टफोलियो है एंड दिस इज आर कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सपोज दैट हमारा जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज समथिंग लाइक दिस ये आपका एक इंडस्ट्री है सपोज दिस इज आईटी इंडस्ट्री तो हमारी जो बैंक के ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हैं या ज्यादातर जो हमारे एसेट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन आई सेक्टर अब अगर कल की डेट में आई सेक्टर के अंदर रिसेशन आता है

आपका कोविड लाइक सिचुएशन ठीक है जहाँ पे जो चीजें हमारे कंट्रोल में आपका नहीं so, मतलब, uh, so, पोर्टफोलियो है दैट इज समथिंग लाइक दिस दैट इज वेरी डाइवर्सिफाइड ठीक है पोर्टफोलियो आपका काफी अच्छे से ढंग से डाइवर्सिफाइड है नाउ और इज जो सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसकी वजह से यहाँ पे हमें आपका लॉसेज हो रहे हैं ठीक है इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते दैट इज द प्रॉब्लम ठीक है तो ये आपका किस में आएगा सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर ठीक है अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज कंट्रोलेबल इन नेचर डाइवर्सिफाइबल इन नेचर जो जिनको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन uh, के थ्रू आपका सॉल्व कर सकते हैं डिफॉल्ट रिस्क इट इज काउंटर पार्टी रिस्क इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर पार्टी रिस्क जिसको लोन दिया गया वो आपका रीपे नहीं कर पा रहा है ठीक है uh, इसके अलावा डाउनग्रेड रिस्क

सो लोन रिव्यू मैकेनिज्म में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इनको आपका स्टडी करें मतलब दिस इज ये आपका स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस ठीक है जब से हमने उनको लोन दिया जब तक उन्होंने हमें आखिरी जो आपका ईएमआई वो पे किया उस दौरान कि अगर जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स उनकी फिनेंशियल हेल्थ आपका कैसे आ, आ, उनका करंट स्टेटस क्या उसमें इंप्रूवमेंट है या वो आपका डाउनग्रेड हो रही है दैट इज द सिचुएशन राइट सो ट इज दूल पोर्टफोलियोटोलेट अगर इसमें से कंपनी है जो जिसका हेल्थ खराब हो रहा है तो हमें उसके ऊपर अर्ली एक्शन लेने पड़ेगा राइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटर लॉसिस प्रोविजन ठीक है अब ये किस कैटेगरी के अंदर है सपोज दैट इट केम डाउन केम टू डाउटफुल एसेट कैटेगरी टू तो प्रोविजनिंग उसी हिसाब से आपको लेके चलने पड़ेंगे जितने अर्ली रेमिड आपके एक्शन होंगे उतना आपका बैंक कम लॉस आपका झेलेगा सो वट विल बी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ विल बी राइट आंसर फॉर दिस बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोग ध्यान से पड़ेम कॉल्ड so,

कहीं ना कहीं जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है उसको होना चाहिए दे दे शुड शुड बी अवेयर अबाउट दी पोजिशनिंग ठीक है कहाँ पे वीकनेस है पे स्ट्रेंथ है और आपका जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं वो कैसे आपका काम कर रहे हैं ठीक है जिनसे कहीं ना कहीं दे कैन मेक वैल्यू डिसीजन की सुटेबिलिटी अगर किसी में नहीं है कोई लू फॉल है तो उनको टाइमली बेसिस पर आपका रिमूव किया जाए या उनको आपका उसमें बदलाव लाया जाए नेक्स्ट वन मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस तो अगर हम लोग बात करें दिस क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ठीक है तो अगर हम लोग कभी भी आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं सो इट इंक्लूड जैसे आपका कैसे बनता है सो फर्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देन वी हैव एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड क्या क्या चीजें आपका इंक्लूड करेगा जैसे आपका सबसे ऊपर रहेंगे बीओडीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन वी हैव एलको एसेट लाइबिलिटी कमेटी या एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी वी हैव रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अंडर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वी हैव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वी हैव मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वी हैव लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इनके नीचे विद एवरी ग्रुप लाइक विद कमेटी अब जो पूरा प्रोसेस है ऑपरेशनल रिस्क ऑल लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क सो वी जनरली फॉलो दैट इज नोन एज दिसका ठीक है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फर्स्ट स्टेप विल बी आईडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क इज सिंपली कि मतलब प्रॉब्लम है क्या बीमारी क्या है देखो अगर हमें पता होगा तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे सेम चीज यहाँ पे दूसरा क्वॉंटिफाइंग रिस्क मेजरमेंट ऑफ रिस्क है कि उसका मेजरमेंट कि अगर ये अनसर्टेनिटी आपका रियलिटी में बनती है सो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पेक्ट आर फिनेशियल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा ठीक है थर्ड वन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड फोर्थ वन इज योर मिटिगेशन ठीक है रिस्क मिटिगेशन इन जनरल कई बार आपको इसी में जैसे मेजरमेंट के साथ साथ आपको रिस्क प्राइसिंग भी मिलेगा ठीक है रिस्क प्राइसिंग इज जो बेसिक आपका होता है जैसे अगर आप पहला यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे चार पांच स्टेप मिलेंगे रिस्क प्राइसिंग इज कि सपोज दैट इफ वी आर एंटरिंग इनटू अ हेज कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव हम जा रहे हैं किसी पोर्टफोलियो को आपका हेज करने के लिए तो इट विल इन्वॉल्व सम कॉस्ट ठीक है जैसे हम लोग सी आर आर एस एल आर में तो जो फंड मार्केट में डिप्लॉय कर सकते थे एंड वी कैन हैव मोर इंटरेस्ट बट वो आपका आरबीआई के पास जमा हो रहा है दैट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स उसके पीछे लॉजिक है ठीक है, तो तो है कि अगर कैल्क्यूलेट में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर तो आप कहेंगे सौ में से चार रुपया अपने आरबीआई के पास जमा कर दिया एज अस आर आर जहां से हम इंटरेस्ट जमा अर्न कर सकते थे बट नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ठीक है आरबीआई डे एनी इंटरेस्ट ऑन सी आर आर वैल्यू राइट तो ये चीजें आपका जो होती है ना वो कहीं ना कहीं दैट इज अ प्राइस अस वी आर बेसिकली पेइंग फॉर द रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या बैंक का खुद का कोई ऐसा प्रोसेस तो आपका आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मींस क्वांटिफाइंग द रिस्क एंड रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेयर बी जनरली इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है और लाइक इट इज डिसाइडेड विद द प्लान इटसेल्फ ठीक है प्लान का ही पार्ट होता है ठीक है देन चौथा आपको मिलेगा इसमें क्या मिटिगेशन ठीक है रिस्क मिटिगेशन जहां पे एक्चुअली जब वो सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जो भी प्रोसेस पॉलिसीज आपके हैं उनका डिप्लॉयमेंट होगा ठीक है सो क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन अब देखो एक चीज मैं आपको हमेशा मतलब ये सजेस्ट करना चाहूंगा अगले जितने भी क्लासेस में मॉड्यूल बी के ऊपर लूंगा सब में आपको ये प्रोसेस हेल्प करेगा सब में आपका ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ठीक है दिस विल रिमेन सेम ये हाईरे आपका सेम आपको उसमें मिलेगी ठीक है तो अगर अभी जैसे क्वेश्चन हम लोग क्रेडिट रिस्क के ऊपर पढ़ रहे हैं तो यहां पे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इसके नीचे आपका सब ग्रुप टास्क फोर्सेस दिस देन आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जहां पे चीफ रिस्क ऑफिसर देन आपका बीओडीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर एवरीथिंग ठीक है बिकॉज इवेंचुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेज दैट फेस बाय द बैंक दैंक राइट तो इसलिए ये चीजें आपका आपको कि बार बार चीजें वही हो रही हैं बट आप उनको ध्यान से पढ़िए समझिए और उस तरह कि आप जैसे रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन विद रिगार्ड टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट या विद रिगार्ड टू ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट तो उसने क्या करा एक टीम बनाया हमने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड लेवल पे दूसरा उसके नीचे क्रेडिट रिस्क मतलब उसने वेट वेट दिया आपका कि सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है जैसे सपोज दैट दस इंस रिस्क रिस्क पोर्टफोलियो ठीक है ऑफ अ बैंक तो इसमें आपको वेटेज कैसे मिलेगा क्रेडिट रिस्क का इतना देन आपका मार्केट रिस्क ठीक है देन आपका सपोज दैट दिस इज लिक्विडिटी रिस्क दिस इज योर ऑपरेशनल रिस्क तो सबसे ज्यादा वेटेज इसको दिया फिर सपोज दैट दूसरे नंबर पे ये है तीसरे पे ये है चौथे इस तरीके का ये सब पूरा डिविजन इनके नीचे आपका कमिटीज है इंडिविजुअल कमिटीज हमारे पास है ठीक है इंडिविजुअल कमिटीज हमारे पास है ठीक है टीम्स आपके उनके नीचे सब ग्रुप टास्क फोर्स ऐसे बहुत सारे मिलेंगे ठीक है तो क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम ठीक है कैसे लॉसेस हम लोग फेस कर सकते हैं मेजरमेंट इज क्वांटिफाइंग दोज पर्टिकुलर लॉसेस जो आपके अनसर्टेनिटीज क्या क्या हो सकती हैं उनकी वजह से लॉस कितना हो सकता है ठीक है क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर्स ठीक है क्रेडिट एक्सपोजर्स लाइक जैसे इन ग्रुप वाइज इंडिविजुअल्स इन अदर्स जो बैंक बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी का पार्ट है ठीक है बॉर ओवर्स परफॉर्मेंस जैसे आपका अलार्म इज पार्ट ऑफ दिसीशन दिस दिस क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इट इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स यूज बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर लैंडर्स टू रिड्यूज दोटेंशियल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द क्रेडिट रिस्क ठीक है अब प्रोसेस आपको सबके साथ मिलेगा तो इसलिए इन इन फ्लोस के साथ आपको कहीं कही कहीं ना काफी फेमिलियर होना पड़ेगा नेक्स्ट so वन क्या होते हैं अगर हम लोग बात करें सीडीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट डेरिवेटिव अगेन मैं सबको सेल्स और लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सी डी एस एंड टी आर एस रिलेशन ओनली ठीक सी डी एस में आपका क्या हो रहा है क्रेडिट आपका स्वैप आर प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दो पार्टीज के बीच में जैसे सपोज दैट देर इज अ बैंक एक आपका एक्स वाई जी बैंक जिसने कंपनी एक्स को लोन दिया uh, आपका फिफ्टी करोड़ रुपीज का ठीक है फॉर टेन ईयर्स दस साल के लिए इसने इसको आपका लोन दिया अब देखो हमने इसको किया सब कुछ किया हमने अपने इससे आपका जैसे कुछ पोर्शन आपका सिक्योरटाइज भी किया गया uh, इसके अलावा देर इज अ पोर्सन जो अनसिक्योर्ड में रहेगा और एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हो सकता है दो तीन साल बाद इसकी आपका जो क्रेडिट बर्दनेस है उसमें वीकनेस आ जाए सो दे इज अ प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो हमने क्या किया इसका आपका जो कंपनी एक्स के साथ हमने एक एसेट क्रिएट किया है इसका हमने क्या किया ABC Financials के साथ और नोन एज ABC FinCorp ठीक है जिसके साथ हमने एक एग्रीमेंट आपका किया सो so जहां पे ABC Financial is selling इज सेलिंग द प्रोटेक्शन टू एक्स वाई सी बैंक लिमिटेड ठीक है ये बोल रहा है कि इफ दिस पार्टी एक्स डिफॉल्ट अगर ये डिफॉल्ट करती है वट एवर द रिमेनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट वी विल पे यू ठीक है जो भी मतलब अगर कल के डेट में विदिन अगर ये कंपनी एक्स आपका डिफॉल्ट करती है तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो हम आपको पे करेंगे उसके लिए आपको हमें प्रीमियम देना पड़ेगा ठीक है हर साल का प्रीमियम है सपोज दैट आपका पचास करोड़ का है ओवरऑल प्रीमियम इज सपोज दैट फाइव करोड़ ठीक है ऐसा आपका एक डील हुआ कि दस साल के अंदर आपको हमें पांच करोड़ का प्रीमियम देना पड़ेगा दैट दैट इज द वन अब देखो बैंक बैंक ने कैलकुलेशन किया सपोज वर अर्निंग ट्वेंटी करोड़ प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर लोन बीस करोड़ का उसको इंटरेस्ट मिला था उसने बोला यार ठीक है बीस करोड़ में से अगर पांच करोड़ उसको दे भी देते हैं तो हम सिक्योर हो जाएंगे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ टेंशन बिलोंग टू तो दिस पर्टिकुलर कंपनी आपका ठीक है तो इस तरीके से आप विदाउट ट्रांसफरिंग दी एसेट्स फ्रॉम दियर बुक्स आर प्रोटेक्टिंग डिफॉल्ट स्वैप जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही आपके क्या रहते हैं कवर्ड रहते हैं ठीक है ये सबको समझ में आपका आया होगा अब दूसरे साइड हमारे पास है टी आर एस ठीक है टोटल रिटर्न स्वैप ठीक है टोटल रिटर्न स्वैप आपका जनरली क्या हो गया जैसे सपोज दैट द सेम केस एक्स वाई सी बैंक जिसके पास एक पोर्टफोलियो है

स्वैप के केस में हमेशा क्या होता है देर इज अ इंटरचेंज बिटवीन टू पार्टीज फॉर फिक्स एंड फ्लोटिंग ठीक है तो जैसे यहाँ पे फिक्स आपका था कहीं ना कहीं आपका फ्लोटिंग जो था वो इसने ले लिया फिक्स इसने ले लिया ऐसे ही यहाँ पे भी रिटर्न आपका मार्केट बेस पे थे अब इसने क्या किया दे एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट आपका विद ए बी सी फिनकॉर्ड ठीक है इसके साथ ही ये कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है कोई आपका अदर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है ठीक है इसलिए बोला कि सर आप हमें क्या करो ये जो हंड्रेड करोड़ रुपीज है इसके ऊपर हम आपको हर साल फिफ्टीन परसेंट का फिक्स रिटर्न देते हैं ठीक है हर साल फिफ्टीन परसेंट का फिक्स रिटर्न देते हैं अगले दस साल के लिए ठीक है जो भी रिटर्न होगा मार्केट रिटर्न जो भी होगा वो हमारा होगा ठीक है मार्केट रिटर्न आपका है पचास वो भी हमारा मार्केट रिटर्न इससे नीचे है जिस डेट पर हम लोग एंटर करें तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे हम आपको फिक्स पे करेंगे फिफ्टीन परसेंट सौ करोड़ का फॉर नेक्स्ट टेन इयर्स तो ऐसी जो डील है आपका दो पार्टीज के बीच में अब यहां पे क्या होता है ना इन केस ऑफ टी आर एस दे ये जो डील है आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को आपका कवर कर रही होती है ठीक है मतलब दिस एक्स वाई जी विल रिसीव टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड करोड़ फॉर नेक्स्ट टेन इयर्स हो सकता है उन दस सालों के अंदर इस सौ करोड़ की वैल्यू हो जाए पचास करोड़ वो प्रिंसिपल अमाउंट में जो कमी आई है वो नहीं पे करेगा ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आपका रिटर्न पे करेगा दैट इज द केस राइट तो जैसे इसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर हो रहे हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिटर्न है ठीक है ना वो आपका कवर हो रहा है ठीक है दैट इज डाउन प्रिंसिपल इज नॉट गेट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से प्यार से समझ लीजिए कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर टीरस एंड सी डी एस बोथ आर प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क बट टी आर एस एडिशनली कवर मार्केट रिस्क एंड प्रिंसिपल प्रोटेक्शन अभी मैंने आपको क्या बताया था टी आर एस डॉट कवर दिस ठीक है तो ये गलत हो जाएगा सीडीएस प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क बोथ प्रिंसिपल इन इंटरेस्ट बिल्कुल सही वाइल टी आर एस ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क बट ओनली कवर रिटर्न ऑन प्रिंसिपल ठीक है हंड्रेड परसेंट रू तो आगे जाने की हमें आपका जरूरत नहीं है सो बी इज द राइट आंसर ओके तो ये आपके रेफरेंसेज के लिए है यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप तो वहां पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिससे

राइट right? so, जहां पे आपको एसेट को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं आप रिस्क को जो उसके बैंक डिफॉल्ट स्वैप विदर बैंक इन अटफॉल्ट स्वैप वन पार्टी द प्रोटेक्शन बायर विच इज बैंक एबीसी पे अ सेकेंड पार्टी द प्रोटेक्शन सेलर विच वॉज एबीसी फिन कॉर्ड इन रिटर्न फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ रेफरेंस फॉर्म कंपनी एक्स सो जैसे हमने आपका केस आपका समझा अंडरस्ट क्लियर है सबको ठीक है नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट पोर्टफोलियो लेवल इन बैंकिंग सिस्टम ठीक है पोर्टफोलियो लेवल की बात हो रही है ठीक है कंडक्टिंग क्वार्टरली रिव्यू फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स क्रेडिट रेटिंग नहीं दिस इज नॉट पोर्टफोलियो लेवल पे हो रहा है आपका ठीक है हम लोग ट्रांजेक्शन लेवल पे बात नहीं करें इंप्लीमेंटिंग क्रेडिट रिस्क मॉडल इमिडिएटली अपॉन द माइग्रेटिंग एफ आई आर पी भी नहीं ठीक है ये तो आपके कॉमन मॉडल रहेगा ठीक है सेटिंग एक्सपोजर लिमिट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा येस This is the true, ये आपका क्या है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो से ठीक है सो दैट इज द्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट पोर्टफोलियो लेवल इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रेटेजीड विध पोर्टफोलियो लोन वन ऑफ दिब्यूशन आपको इनिशियली आई टी इंडस्ट्री वाला केस बताया था कि वो कैसे वो बैंक आपका जिसका फिफ्टी परसेंट पोर्टफोलियोज इन आई टी इंडस्ट्री ओनली अगर आई टी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आएगा तो बैंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा तो अगर उसको

तो क्या होगा आपका दिस इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन राइट सो द लोन रिव्यू फंक्शन शुड बी इन चार्ज ऑफ और कंफर्मिंग क्रेडिट रेटिंग्स एंड इन इंडिपेंडेंट लोन रिव्यू ग्रुप शुड रिव्यू द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बैंक मॉनिटर द मॉनिटर द कंसिस्टेंसी एंड द करेक्टनेस ऑफ इंटरनल क्रेडिट रेटिंग And look at changes in the predicted loan losses based on such ratings. So they'll be responsible for these kind of action in aapka situations. Next one. In the context of loan review mechanism, which of the following is not one of the main objective of conducting LRM? LRM ko so, conduct objective to promptly identify loan with them. क्रेडिट वीकनेस एंड इनिशियट करेक्टिव एक्शन ये तो है आपका ठीक है टू एसेस देश ऑफ लोन लॉसिसन ये भी आपका था क्वालिफिकेशन ऑफ लोन रिव्यू ऑफिसर नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है अलार्म में यह नहीं आएगा सो ये आपका आंसर होना चाहिए टू प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्क इवेल्यूएशन दिस इज ऑल्सो तो विदाउट एनी डाउट सो वॉट विल बी अर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन

तो उनका ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ रिस्क विद इन अ पोर्टफोलियो, शिफ्ट अ रिस्क एक्सक्लूसिवली टू थर्ड पार्टी, अचीव रिस्क रिडक्शन एट बोथ ट्रांजेक्शन एज वेल एज पोर्टफोलियो लेवल एक चार्ट आपको दिखाया था ना दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के साथक्लूसिवली फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन सो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन राइट सो बैंक यूज अ variety ऑफ strategies such as एसेट securitization क्रेडिट derivative collateralization and एंड थर्ड पार्टी गारंटी सब समझते हैं सिक्योरटाइजेशन आपका जब हम लोग कोई भी एसेट क्रिएट करे होते उसके अगेंस्ट में आपका सिक्योरिटी प्लेस हाइपोथिकेशन मॉडेज असाइनमेंट ठीक है क्रेडिट डेरिवेटिव सी डी एस जैसे भी हमने बात किया को आपका सेम थर्ड पार्टी गारंटी आपका हो सकता है ठीक है सो टू रिड्यूस क्रेडिट बोथ एट ट्रांजेक्शन लेवल एज वेल एज पोर्टफोलियो लेवल मतलब इसका मेजरमेंट भी कैसा होता है ना कि लेट्स से इफ वी आर क्रिएटिंग एन एसेट तो कोई भी नया ट्रांजेक्शन में हम लोग एंटर करें तो उसमें कितना रिस्क है इन्वॉल्व है एंड उसका ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो का वेटेज है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा ठीक है ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ट्रांजेक्शन को फोकस करें या सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो को फोकस करें ठीक है सो विल कीप बोथ इन आर माइंड राइट नेक्स्ट वन

रिपोर्ट करेगा उस बैंक के हेड को सीईओ या जो भी चेयरमैन so, है उनको दी पॉलिसी ट्रू पोटेंशियल लिमिट्स एंड इट्स पीरियोडिक रिव्यूज ठीक है अगेन कर तो ये आपका मार्केट रेट रिस्क नहीं बल्कि ऑपरेशनल लिक्विडिटी सबको कवर करेगा ठीक है तो मार्केट रिस्क स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट इज ट्रू आप इसको ऑपरेशन रिस्क भी लिख सकते हैं क्रेडिट भी लिख सकते हैं या फिर आपका लिक्विडिटी भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये हेल्प द बैंक इन नाउ व्हिच ऑफ द टीम तो देखो क्या होता है हमारे पास दो प्रोसेस हैं एक तो आपका इंटरनल रिस्क बेस्ड प्रोसेस आपका ठीक है हर एक बैंक का खुद का जो सिस्टम है ठीक है Uh, uh, आपका इंटरनल प्रोसेस दूसरा आरबीआई के द्वारा कुछ रेटिंग एजेंसी जिनको अप्रूव किया गया है दो जो जनरली वर्क इन अकॉर्डिंग्स विद आर बी आई गाइडलाइंस ओनली ठीक है तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं ठीक है जिसमें जैसे सेवन डोमेस्टिक एंड थ्री इंटरनेशनल कंपनीज आते हैं इंटरनेशनल में आपका एस एन पी मोडीज एंड फिच जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं तो अगर उन्होंने किसी कंपनी को रेट कर रखा और आप उस कंपनी को एसेट क्रिएट कर रहे हो उसके साथ तो यू कैन टेक द रेटिंग ऑफ देयर ऑल्सो ठीक है अलॉन्ग विद योर इंटरनल प्रोसेस ठीक है दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है सो प्राइसिंग दी लोन आप किसी की रेटिंग बहुत अच्छी है किसी की खराब है ठीक है मतलब जैसे सपोज दैट जनरल रेटिंग आपका सपोज है वन टू फाइव एक अच्छे साइड में फाइव आपका है ठीक है बुरे साइड में वन है एक की रेटिंग है फाइव एक की है आपका थ्री तो थ्री वाले को हम हायर रेट पे इंटरेस्ट पे लोन देंगे और फाइव वाले को लोअर पे देंगे कहीं ना कहीं का पता चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ बैंक क्रेडिट पोर्टफोलियो तो आपका अगर क्रेडिट हेल्थ इंप्रूव हो रही है खराब हो रही है तो देर इज अलर्ट तो ये सारे ही आपके क्या होंगे करेक्ट होंगे ठीक है so credit rating of borrowers help the uh, help in pricing of loan and advances besides this it also help in uh, estimating default that the credit portfolio of bank may generate if the entire portfolio is uh, rated and uh, default probabilities available uh, for all rating uh, categories uh, this also help in assessing the minimum capital required next one a transaction where financial securities are issued against the uh, cash flow uh, generated from a pool of uh, assets is called, so, is It is known as SPVs? Securitization. It is a part of securitization. Securitization refers to a transaction where financial securities are issued against um, the cash flow generated from a pool of asset, uh, which is called SPVs. कैश फ्लो एर राइसिंग फ्रॉम आउट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन दीस्ट रीपेमेंट ऑफियल पोर्टफोलियो लेवलिटा कैन बी डेवेटिव कैन बी सो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस हम लोग दोनों को ही यूज कर सकते हैं दोनों ही हमने पड़ेगा ठीक है सो दिस आपका मॉड्यूल सी के ऊपर पहला सेशन uh, हमने आपका किया ठीक है so, सो जहाँ पे आज की जो two two, credit risk, credit risk के जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे देवर टू अवर टू आपका क्रेडिट रिस्क क्रेडिट रिस्क के ऊपर आपका हमने किया तो ऐसे ही मैं आपके इसके जितने भी यूनिट हैं नाइन टेन यूनिट जितने भी सबके क्वेश्चन आपको करा दूंगा सो विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द क्रेडिट दी एंटायर रिस्क मैनेजमेंट और दी एंटायर मॉड्यूल्स ठीक है तो जिससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी आने वाले समय में ठीक है आई होप यू गाइज आर क्लियरली गर्डिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर कोई डाउट होता है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लगता है कि दैट कैन बी इम्प्रूव टेस्ट सो यू कैन शेयर विथ मी थ्रू टेलीग्राम ग्रुप या आपका जो आप लोग कॉमेंट्स के अंदर मैंशन कर सकें अगर आप किसी भी एरिया के अंदर स्टक फिल करें आपको लग रहा है कि ये चीज़ और ज़्यादा अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हैं ठीक है सो आई डेफिनेटली कम अप विद सम वीडियोस ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक और दोज पर्टिकुलर एरियाज इन सब टॉपिक आल्सो सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू राइट तो कैसा लगा सेशन कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें सो so, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके जुलाई थर्टीन को आपका बी का पेपर है और uh, ख़ासकर जो लोग इस बार के हैं तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं सेशन ले रहा हूँ अभी मैक्सिमम जितने हैं ठीक है बट जो लोग नवंबर दिसंबर के लिए हैं दे कैन गेट एन आइडिया अबाउट दी ओवरऑल कोर्स करिकुल टॉपिक कैसे हैं उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हैं वंस दस बी एफ एम पेपर इज ओवर फॉर जुलाई आई कम अपन वीडियोज और क्लासेस तो जो आपको एनुअली एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही करते हैं आई सी टू मोरू गाइस सो दिस इज ड्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग देशन बाई टेक केयर ऑल है नाइस डे थैंक यू